इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो सारे ही भारत दे विच जो जनरल बिपिन रावत ने प्रपोजल दिता है 98% साढ़े जो आर्मी के जेशियो और जवाना का जो रोजी रोटी का जो आर्थिक जड़ियाँ साड़ियाँ है ने हक सानू सी उन्होंने हकों मारन वास्ते वो जनरल ने अपने पता नहीं की उन्हूं मोदी साहब ने दे दिता कि जिहड़ा कि 98% साढ़े जवाना ते जेशियो नूं मार रहा वा ते असी जनरल बिपिन रावत जिहड़ा दा बिल्कुल विरोध करते हाँ। वो जनरल प्रधानमंत्री ते बन सकता सी पर प्रधानमंत्री जो है वह जनरल नहीं बन सकता सी। उन्होंने शर्म आनी चाहिए आ कि जिन्होंने 98% लोगों के हकों के उत्ते जो कि चला रहे ने अपनी बहुत उन्होंने एहोजे शब्द बोलन दिल नहीं करता क्योंकि उन्होंने रुतबा बड़ा वड्डा सी। इन्होंने सरकारा ने मिली भुगत करके जिहड़े तिन्ने जरनलों तोड़ के इक्को जरनल बनाया बिपिन रावत उन्हें बहुत ज़्यादा साढ़े इंडिया दे विच भारत के जिन्हें भी नौजवान और साढ़े जो सर्विस कर रहे ज जवान तो जेशुआ उन्होंने हकों को मारन वास्ते जो अज असी अज रोस प्रदर्शन कर रहे हैं इकट्ठे होकर साढ़े सारे इंडिया दे विच हो रहा तो वो वास्ते असी अज जिला हुशियारपुर दे विच किसानां दा साथ दे रहे हैं नाल असी तो साडा जो जनरल बिपिन रावत उहदा जोर शोर नाल रोस प्रदर्शन करते हैं तो उस तो बाद असी सारे जो अज किसानां दा काले कानून पास किए प्रधानमंत्री ने उहदे वास्ते बिल्कुल असी जो आ रोस प्रदर्शन किया वा कर रहे हैं। आने वाले समय से असी साडा इंडियन वैटन ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ा वा वो दिल्ली लई रवाना हो जाएगा और बिल्कुल किसानों के नाल असी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सर अपने सबका फौजी जोड़े है पेंशन उन्होंने पेंशन भी कट्टी जा रही है की कहना ये बिल्कुल सानू बुद्धू बनाया जा रहा वा जी। जो प्रपोजल दिता जनरल बिपिन रावत ने उहदे विच कहा कि जिहड़ा 35 साल नौकरी करेगा उस बंदे 50% पेंशन मिलेगी 35 साल तो नौकरी सिपाही तो लैके ऑनरी कैप्टन तक ऑनरी सूबेदार मेजर तक हुंदी नहीं आ ओनली फॉर 32 साल हुंदी आ। जेकर रिक्वेस्ट के तौर पर 2 साल वधाई जाए तो 34 साल बनती आ। बिल्कुल ये भद्दा मजाक किया जा रहा साढ़े नाल बे हुण पढ़े लिखे सारे हुण कोई अनपढ़ नहीं कि अंग्रेजों वाला राज ना ये करन साढ़े उत्ते। असी बिल्कुल जिहड़े साढ़े जवान हुण सरहदां दे उत्ते सर्विस कर रहे ने उन्हां दे बिल्कुल हक्कां नूं मारिया जा रहा। तो मैं इस तुहाडे टीवी माध्यम राहीं उन्हां जवान जो साढ़े बॉर्डर के उत्ते आ उन्होंने कहना चाहना कि इंडियन वैटरन और ताड़ी नाल इंडियन वैटरन ऑर्गेनाइजेशन तुहाडे नाल खड़ी है। जे किसी नूं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो तुसीं इंडियन वैटरन ऑर्गेनाइजेशन दे नाल कॉन्टैक्ट रखो। किसी भी दे नाल भी कोई भी अफसरशाही धक्केशाही उत्थे करदी आ तो असीं इंडियन वैटरन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल उन्हां दे नाल आ। तो अपना मोबाइल नंबर 9456-93782 9456-93782 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो सर्विस कर रहे हैं मेरे योधे। अगे संघर्ष साडा अज तो बाद असी अगला 8 या 9 तरीक नूं जो भारत बंद आ तो असी अपने नैशनल प्रेजिडेंट जोगिंदर सिंह सेंगर नाल सलाह करके तो अगला असी पूरे ही भारत का जिहड़ा वा उत्थे सदा दिल्ली पहुँचना वा सारे ने असी तो दिल्ली दे विच जाके किसानों का समर्थन और अपना जो ये साढ़े नाल जनरल बिपिन रावत ने ये प्रपोजल दिता बिल्कुल उत्थे ही जिन्ना चिर वापस ना लिया वापस नहीं आवांगे बिल्कुल खंडन करांगे उहदा।
मैं सुअर मेजर बैटन जितेंद्र सिंह राणा डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट इंडियन बैटन ऑर्गनाइजेशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हाँ और मैं इंडियन बैटन ऑर्गनाइजेशन नू मजबूत करन और इस दे जो भी साढ़े जवानों के और जेसीओ के हक आ उन्होंने दिलाने लिए दिन रात मेहनत करांगा और हर संभव जो भी कार्रवाई बनती होगी करांगे। नंबर दो जो किसानों के काले कानून है उन्होंने रोस विच असी किसानों के नाल कंधे नाल कंधा मिला के खड़ांगे जिथे साड़ी जरूरत पेगी असी पहुँचांगे। इस दे नाल जे मोदी कानून वापस नहीं लैंदा तां उन्हां दा धरना जद तक चलेगा असी उन्हां दे नाल खड़ांगे। नंबर दो जो CDS बिपिन रावत ने जो ड्राफ्ट किया जवानों के जेसीओं के पे और सर्विस क्राइटीरिया लैके वो सरासर अफसरों के हक चा जबकि जेसीओ जवानों के हक विच नहीं है। उस विच जो करके किसानों की जो लड़ाई है वो अपने हकों लिए लड़ रहे हैं। मैं गवर्नमेंट नूं भी कहांगा कि इस कानून नूं जिस तरह किसान चाहते हैं उस तरह पास किया जाए। अगर वो पट पाया सोना जो कन्ना नूं खावे जब किसान कहते सानूं चाहिए नहीं है कानून तो क्यों थोपिया जा रहा है। और इस कानून नूं अगर गवर्नमेंट एक पासे कहती है कि जवान किसानों के हितों लिए है इसका मतलब कि किसान जो गवर्नमेंट है वो किसानों नूं समझाउण विच असफल रही है। अगर ज़्यादा किसानों नूं समझाया जाए कि किस तरह उन्होंने हकों लिए है या उन्होंने प्रोपर काउंसलिंग की जाए इस विच गवर्नमेंट फेलियर पाई गई है। या तो गवर्नमेंट इन्हों रद्द करे नहीं तो पोस्टपोन करे। इस तो अलावा गवर्नमेंट के कोई राह नहीं है दूसरा। और साढ़े इस मंच से पहुंचे हुए इस इंडियन बैटर ऑर्गनाइजेशन चलाने वाले स्टेट लेवल के प्रेजिडेंट साढ़े जसपाल सिंह जानी साहब इन्हों का तहे दिल तो धन्यवाद करता हाँ। इस तो अलावा हो उस बारे मैं दो शब्द कहना चाहवागा कि साड़ी ऑर्गनाइजेशन की है। सब तो पहला साढ़े कैंटीन स्टाफ को हुशियारपुर जिंदी मिसाल है बिना नोट्स तो बिना किसी गल तो टर्मीनेट करता एक रवंज की भावना ना एक लैफ्टिनेंट कर्नल बनोट तोपची ब्रिगेड का यूनिट का प्रधान जी का इतने पहुंचने से निघा स्वागत करता हाँ। बचपन से शौक सी फौज भर्ती होव देश की सेवा करा पर मौका मैं हासिल नहीं हो सकया जबकि 1994 के मैं CDS क्लीयर किया SSB वास्ते भोपाल गया अनफॉर्चुनेटली वो क्लीयर नहीं कर पाया। उस तो बाद वकालत चला गया वकालत करने तो बाद दिल एक शिशक सी भी फौजी भावों किसी तरह का भी कोई काम कर सका। मैं मौके एडवाइजर इस संस्था से जुड़ के अपने आप को बहुत माण महसूस करता हाँ और जरूर चाहता वा कि संस्था न हर तरह की किसी तरह की कानूनी सलाहकार किसी मैंबर को किसी तरह की एडवाइस की लोड़। सर्विस करने तो बाद एक सिपाही रैंक तो लैके जनरल तक एक पुराना सिपाही गिने जाता तो एक हिस्सा बन जा रहे हैं। तो यह संगठन है जो तुम इस चीज बारे जाने होवोगे कि अज तो देखा हुआ जगह 1947 तो बाद अज तक OR और JCO का कोई भी क्रांतिकारी संगठन है जो नहीं शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि इस तो पहला जो भी चीज़